phone number, sorry. नमस्कार अमरीदनो, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज लगातार है कि सर प्रॉपर एक गाइडलाइन वीडियो बना दीजिए, एक प्रोसीजर बता दीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए, किसके लिए? BHU UG स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छा अवसर है, एक ऑफर है कि हम लोग अगर किसी कारण से BHU में एडमिशन नहीं ले पाए हैं UG में 2024 में, तो कम से कम एडमिशन का एक अच्छा मौका है, हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ और आप लोग इसको पूरा समझने वाले हो, ठीक है? तो ये प्रॉपर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है, आप इसको खुद भी जाके पढ़ सकते हो। बाकी इसके जो की पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको, इसके बाद कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यूं समझो कि अपने दोस्त को वीडियो जरूर शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है किसी कारण से उनका अभी एडमिशन ना हुआ हो, सकता है कि वो अभी इंतजार कर रहे हो कि हाँ उन्हें मौका मिल जाए एक बार। तो ये उन्हीं के लिए है, आप लोगों के लिए है। पूरे पॉइंट्स को समझने के बाद आप समझ पाओगे कि हाँ इसमें एडमिशन कैसे लेना है। तो इसकी जो डेट है वो आउट हो चुकी है, ठीक है? 9th of September to 11th of September, यानी कि 9 से 11 के बीच में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कल है 11 तारीख और रात में 11:59 तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? तो कहने वाला आज का दिन और कल आने वाले दिन आपके पास है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस वीडियो को जल्दी से दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि वीडियो 2 ही दिन के लिए वैलिड है। और इसमें जो फीस लग रही है वो कितना लग रही है? ₹500, जो कि लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, पता चलता है ना, बच्चों को फिल्टर हो जाते हैं बच्चे इसी बहाने, तो कोई भी भर देगा। कम से कम इसी बहाने जो नीडी होंगे, जिनको लगेगा कि हाँ मुझे ट्राई करना चाहिए, वही इस फॉर्म को भरेंगे। और कितनी फीस है? तो ₹500, और ये नॉन रिफंडेबल मनी है, यानी इस पैसे को कभी भी वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है? और इसमें अगर हम लोग नीचे जाकर देखें तो एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, और इस एलिजिबिलिटी में ये बताया जा रहा है कि कौन कौन ऐसा बच्चा है जो इस फॉर्म को भर सकता है। तो पहला ही पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर BHU UG काउंसलिंग सो फार, यानी कि जिन बच्चों ने कभी BHU UG में फॉर्म भरा ही नहीं, लेकिन उन्होंने CUT का एग्जाम दिया है, ध्यान दें, तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द BHU UG काउंसलिंग प्रोसेस बट वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर एंड अलॉटेड, यानी कि आपको अलोकेशन के दौरान, यानी जब सीटें मिल रही थी, जनरल राउंड चल रहे थे, तो आपको सीट नहीं मिली, आप वेटिंग में थे, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसके बाद एक पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? सीट बट could not deposit the fee, यानी आपको सीट मिली और आपने पेमेंट नहीं किया तो भी आप एलिजिबल हो। और उसके बाद एक बात और बताई जा रही है, deposited the fee but got their admission cancel या withdrawal, यानी कि आपको सीट दी गई और आपको कुछ समझ में आया और आपने एडमिशन को अपना कैंसिल कर लिया, विड्रॉल कर लिया, और अब आपको लगता है कि अरे यार मुझे एडमिशन विड्रॉल नहीं करना चाहिए था, या आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ किसी और कोर्स के लिए BHU में ही, तो अब आप उस कोर्स के लिए भी अपना ट्राई कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब नॉट एलिजिबल कौन कौन है? तो भाई कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन द रेगुलर राउंड्स, यानी वो बच्चा जो BHU के किसी भी कोर्स में आज एनरोलमेंट ले चुका है, उसका एडमिशन हो चुका है, या फिर उसने कोई एक सीट को होल्ड या फ्रीज करके रखा हुआ है, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है? और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि जो प्रैक्टिकल कोर्सेज है BFA एंड BPA, वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, साधारण है, सब कुछ ऑनलाइन ही होना है, ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई इस फॉर्म को भरने से पहले आप अपने आप को पहचान लो, कैसे? वैकेंट सीट के बेसिस पे। वैकेंट सीट कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वैकेंट सीट डायरेक्टली, टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है CUT हेल्प डेस्क, वहां पे आपको लिस्ट मिलेगी। आप जाओ उस लिस्ट को पहले चेक करो और आप ये पता करने की कोशिश करो कि हाँ ये सीट आपके लिए है कि नहीं है। और ये बात कैसे आप समझ पाओगे कि हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं? जनरल है, OBC है, EWS है, SPSC, BHU एम्प्लाई कोटा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सीट भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो जो जनरल की सीट होती है वो नीचे वाले बच्चे ले सकते हैं, समझ गए? जैसे कि कोई बच्चा EWS का है और EWS में 5 सीट है और जनरल में 4 सीट है,
तो ये चार और पांच मिलके ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाए, लेकिन जनरल का बच्चा ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कैटेगरी और जनरल की सीट को ऐड करके अपनी टोटल सीट काउंट कर सकते हो, और इस सीट को काउंट करने के बाद आप देखो कि आपका जो मार्क्स है क्या वो लास्ट जो कट ऑफ आया था इन लोग का, तो उससे क्या 30 40 50 नंबर आप पीछे हो। अगर आप 50 नंबर तक पीछे हो तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप कितने भी नंबर पाए हो, तो मैं कहूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बकायदा आप ये चेक कर लेना कि एसटी की सीट कितनी है और उसी कोर्स में जनरल की सीट कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनरल में जाओगे तब तो आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, लेकिन अगर एसटी में सीट है और एसटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ध्यान देना कि एसटी के कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, आप ट्राई मार लेना, शायद आपको एडमिशन मिल जाए। बाकी जनरल स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कोशिश करना, आपको हो सकता है मिल जाए। बेसिकली आपके लिए कैसे ट्राई करना है, तो आप अपना लास्ट राउंड कट ऑफ चेक करो, 30 40 50 नंबर अगर पीछे हो तो आप ट्राई मार सकते हो। तो ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना है, आप इस फॉर्म को जाके फिलअप करिए पोर्टल से। कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है काउंसलिंग वाला, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो और वहां पे आप अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज भी जान सकते हो अपने स्कोर के अकॉर्डिंग। आपको जानकारी के लिए 15 दिन के लिए ₹50 का एक सब्सक्रिप्शन लेना है, जहां पे आप बकायदा डिस्कस कर सकते हो कि हाँ सर हमें भरना है नहीं भरना है। अगर आपको फॉर्म नहीं भरने आ रहा है तो फॉर्म भी आपका भर देंगे। तो ये तमाम चीजें आपको एज अ हेल्प प्रोवाइड कराया जा सकता है। यहाँ पे एक ऐसे बच्चों के भी ग्रुप है जो ऑलरेडी सेलेक्ट है, उनका एडमिशन हो चुका, कुछ ही दिनों में उनका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली हॉस्टल अलॉटमेंट और एडमिशन हो जाएगा, वो पढ़ने आ जाएंगे बीएचयू में। तो ऐसे बच्चे जो हैं ध्यान दें कि आपको हॉस्टल बीएचयू में 30% ही मिलता है, यानी 100 में 30 लोग को मिलेगा, लड़कियों में वो भी घट के और कम हो जाता है। तो जिनको सेकेंड राउंड के बाद मिला है एडमिशन उनको तो हॉस्टल बीएचयू का नहीं मिलेगा, लगभग नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड बच्चों को भी पूरा नहीं मिलता है, कुछ लोग को मिलता है। तो आप समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रेजिडेंस के लिए खुद से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लाइक पीजी, आपको हॉस्टल्स, आपको फ्लैट, ये सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। जिन बच्चों को भी प्राइवेट हॉस्टल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राइवेट हॉस्टल वाला लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको डायरेक्टली यहाँ के आसपास के जो अच्छे हॉस्टल्स हैं उससे कनेक्ट करा दिया जाएगा और आप उनसे बातचीत करके जहां भी जिसको रहना है वो रह सकता है। तो ये तमाम बातें आपसे आज मैं डिस्कस किया, उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि ये 24 आवर्स के लिए वैलिड है वीडियो। उसके बाद तो आप डेट ओवर हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाओगे, एक आखिरी मौका है, सुनहरा मौका है। और हर कोई अपने दोस्तों में शेयर करो, स्कूल फ्रेंड्स को बताओ, अपने कोचिंग वाले ग्रुप में डालो, जिससे कि कोई बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा नंबर लाया हो और किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाया, तो कम से कम वो अपना एडमिशन अब करा पाएगा। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। हर हर महादेव।